الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين الكريم معزز محترم سامعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حضرات گرامی امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں کے خطوط اور ان کے اصرار پر اپنے نائب کے طور پر اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا تھا. جن کے ساتھ ان کے اپنے دو شہزادے بھی تھے. جب یہ لوگ کوفہ پہنچے تو بڑا والیانہ انداز میں ان کا خیر مقدم کیا گیا, محبتوں عقیدتوں کا بھرپور اظہار ہوا, گھر گھر دعوتوں کا اہتمام ہوا, ہزاروں لوگوں نے امام عالی مقام کے نام پر مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی. عبیداللہ ابن زیاد جب کوفہ پہنچا اور اس نے اپنی مکاری اور عیاری کے ساتھ ایسے کام کیے کہ یک بیک کوفہ کی فضاؤں میں تبدیلی آ گئی, لوگ ڈر گئے, خوف زدہ ہوئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو حد و پیمان ان لوگوں نے کیا تھا وہ یکسر فراموش کر دیا. جو مرنے اپنے مارنے پر آمادہ تھے اچانک ان لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا, مسلم بن عقیل تنہا ہو گئے. تاکہ عبیداللہ ابن زیاد نے اعلان کر دیا تھا کہ جو انہیں پناہ دے گا اسے قتل کیا جائے گا. فوری طور پر حضرت مسلم بن عقیل کو دربار میں پیش کیا جائے, لیکن
लेकिन कहीं से कोई सुराग न मिला, हत्ता के उस बदबख्त ने अपने गुलाम को जासूसी पर मुकर्र किया और उस जासूस ने पता लगा लिया कि हजरत मुस्लिम बिन अकील कहाँ है। इस तरीके से मुस्लिम बिन अकील को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। इब्ने ज़ियाद को पता चला कि इनके बच्चे भी इनके साथ थे, उनकी तलाश जारी हुई। हानी इब्ने उरवा के मकान पर जब हजरत ने क़याम किया था, उस वक्त एहतियातन आपने अपने बच्चों को काजी शुरी रहमतुल्लाह अलैह के घर पे पहुंचा दिया था। एहतियातन काजी साहब ने रात तो बच्चों के पास जाकर मुलाकात की, उनके सरों में दस्त सिफत फेरा, बड़ी मोहब्बत के साथ शायद बच्चे चूंकि औलाद रसूल थे, हाशमी थे, बच्चों ने काजी साहब की मोहब्बत और शफ़क़तें देखी। फौरन एक बच्चा बोल पड़ा कि आप जिस अंदाज से हमारे साथ पेश आ रहे हो, ये अंदाज यतीमों के साथ होता है। बच्चों को पता नहीं था कि उनके वालिद का इंतकाल हुआ है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यतीम हो गए, हमारे वालिद को शहीद कर दिया गया। काजी साहब की आंखों से आंसू निकल पड़े, कहा बच्चों यही है कि तुम्हारे वालिद को शहीद कर दिया गया। बच्चे रोने लगे, आवाज बुलंद हुई तो काजी साहब ने उन्हें तसल्ली दी, कहा अपनी आवाजों को पस्त रखो, तुम्हारी तलाश जारी है, अगर आवाज सुन ली गई तो मुझे डर है कि कहीं तुम्हें भी गिरफ्तार न कर लिया जाए। इत्मीनान रखो, मैं किसी तरह तुम्हें मदीने पहुंचाने का इत्मीनान कर दूंगा। आपने अपने बेटे असद को बुलाया और इन्हें पता चला था कि बाबू इराकीन से एक काफिला मदीना के लिए रवाना होने वाला है। फजर से पहले पहले अपने लड़के को ताकीद की कि इन दोनों बच्चों को बाबू इराकीन पर पहुंचा दो, काफिला वहां से गुजरेगा उसमें शामिल कर देना, ये बच्चे मदीना पहुंच जाएंगे, इस तरह इनकी जान बच जाएगी। काजी साहबजादे ने दोनों बच्चों को साथ दिया, बाबुल इराकीन पर पहुंचा तो पता चला कि जो काफिला जाने वाला था वो जा चुका है। दोनों शहजादों को लेकर काजी साहब का लड़का कुछ दूर तक इनके साथ चला, दूर गर्द गुबार उड़ता हुआ नजर आया। दोनों बच्चों को बताया कि देखो जो गर्द उड़ रही है वो उसी काफिले की होगी, अब मैं ज्यादा दूर तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, लिहाजा तुम लोग जरा तेजी से दौड़ो और वो काफिले में शामिल हो जाओ, किसी को अपने बारे में मत बताना कि तुम कौन हो, उस काफिले के साथ साथ इंशाल्लाह तुम मदीना पहुंच जाओगे। ये दोनों लड़के कमसिन थे, 7-8-9 साल की उम्र थी, दोनों बड़ी तेजी से दौड़ते रहे, काफिले की गर्द का पीछा कर रहे। काफी देर दौड़ने के बाद वो गर्द गुबार भी इनकी निगाहों से गुजर हो गया। अब ये परेशान हुए कि कहां जाए, दौड़ दौड़ कर थक चुके थे। दोनों शहजादों ने देखा कि काफिला रवाना हो चुका है, सुबह का सूरज भी तुलू हो चुका था और दौड़ के थक चुके थे। एक दरख्त के साए में जाकर दोनों बैठे, उधर सिपाही इनकी तलाश में थे, इत्तेफाक से एक सिपाही वहां पहुंच गया। दोनों शहजादों को उस बदबख्त ने पकड़ा और पकड़कर उनके हाथ पैरों को बांधा और सवारी के जानवर पर, घोड़े पर दोनों को ऐसा लादा जैसे कोई सामान लादा जाता है, ले जाकर इब्ने ज़ियाद के सामने पेश कर दिया।
इब्न ज़ियाद ने कहा कि इन दोनों बच्चों को कैद में डाल दो, इसकी इत्तला हम यजीद को देंगे, यजीद का फिर जो हुक्म होगा उस पर अमल किया जाएगा। अगर वो कत्ल करने का कहेगा तो बच्चों को कत्ल किया जाएगा, या अगर वो मुल्क शाम इनको मंगवा ले तो हम वहां भेज देंगे। कैद खाने में दोनों बच्चों को दाखिल कर दिया गया, पूरा दिन इनको खाने पीने के लिए कुछ ना दिया गया। एक तो रात में दौड़ते रहे, सुबह से लेकर रात तक ये बच्चे कैद खाने में भूखे प्यासे रहे, लेकिन कैद खाने का जो दारोगा था वो मुहिब्बे अहले बैत था। रात के वक्त उसने दरवाजा खोला, दोनों शहजादों को अपने घर ले गया, उन्हें खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद दोनों बच्चों को रात के वक्त कादसिया जाने वाला जो रास्ता कूफा से जाता था शहर से बाहर, उस रास्ते पर लाया और दोनों शहजादों से कहा कि यह रास्ता सीधे कादसिया जाता है और कादसिया में मेरा अपना भाई कोतवाल है। निशानी के तौर पर उसने अपनी अंगूठी दी का कोतवाल का पता पूछना, जब वो मिल जाए तो अपनी सारी रुदाद उसके सामने बयान करना और ये मेरी अंगूठी उसे दिखा देना, वो पहचान लेगा कि तुमको मैंने भेजा है, लिहाजा तुम्हें बहिफाजत तमाम वो मदीना मुनव्वरा पहुंचा देगा। उन्होंने कहा ठीक है। अब दोनों शहजादे रवाना हो गए, मशहूर वापस से दारोगा जेल वापस आ गए। दोनों शहजादे दौड़ते रहे, तेजी के साथ दौड़ते रहे, इतना दौड़े कि पैरों में छाले पड़ गए, वो छाले फट गए, पानी रिसने लगा, अब चलने की सकत नहीं, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारी, दौड़ते रहे ताकि दुश्मनों के पंजे से किसी तरह बचा जा सके, अपनी जान की हिफाजत की जा सके। काफी दौड़ते रहे, जब सुबह का सवेरा हुआ तो क्या देखते हैं कि कूफा के मकान सामने हैं, मतलब रास्ता भूल गए थे। पूरी रात दौड़ते रहे और पलट कर जहां से सफर शुरू किया था वापस वही आ गए। तकदीर में जो लिखा होता है वो होता है, तदबीर के नाखून तकदीर के गिराह को खोल नहीं सकती, अल्लाह ने जो लिख दिया है वो हो जाता है। बच्चे परेशान हो गए, डर गए कि पहले दिन वाला मामला फिर ना सामने आ जाए। करीब में चश्मा पानी का बह रहा था, वहां जाकर दोनों ने मुंह हाथ धोए, कुछ पानी पिया, अभी थोड़ा सुस्ताना ही चाहते थे, इतने में एक खातून वहां पानी भरने के इरादे से आई। दोनों बच्चों ने जब उस खातून को देखा तो डर गए, छुपना चाहते थे, मगर उस औरत ने इन बच्चों को देख लिया और बच्चों को देखकर ये बच्चों के पास आई, पूछने लगी तुम कौन हो, मगर अब ये अपना पता बताने से डर रहे थे, कहीं दुश्मन के हाथ फिर ना लग जाए, फिर हमारे साथ जुल्म ज्यादती ना हो, लिहाजा वो सहम गए। उस खातून ने कहा बच्चों तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम किसी ऊंचे खानदान से ताल्लुक रखते हो, तुम्हारा नूरानी चेहरा बता रहा है कि तुम किसी छोटे खानदान से नहीं किसी आला खानदान से ताल्लुक रखते हो, भला उनका चेहरा यकीनन नबूवत मुस्तफा जारे रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का पता बता रहा था, उनका चेहरा बता रहा था कि ये कोई मामूली लोग नहीं है, किसी बड़े खानदान से इनका ताल्लुक है, और क्यों ना हो ये उसी खानदान से ताल्लुक रखते थे जिस खानदान के बारे में इमाम अहमद रजा ने कहा था कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का, उसी घराने से इनका ताल्लुक था। बच्चे डरे हुए थे, मगर उस खातून ने कहा बच्चों मुझे आप दुश्मन न समझे, मैं तुम्हारी खैरख्वाह हूं, मुझे बताओ कि आखिर तुम कौन हो। उन बच्चों ने अपना पूरा हाल बता दिया कि हम हजरत मुस्लिम बिन अकील के बच्चे हैं, हम मोहम्मद इब्राहिम हमारा नाम है, हम यहां आए थे बड़ी इज्जत के साथ, हमारा खैर मकदम किया गया, मगर अचानक यहाँ के हालात बदल गए और यहाँ के लोगों ने हमारे वालिद को कत्ल कर दिया है, अब हम मदीना जाना चाहते थे मगर हम जा ना सके, पूरी रात रास्ता भटक कर दौड़ते रहे और जहां से सफर शुरू किया था सुबह हम वहीं आकर के पहुंचे हैं। उस खातून ने तसल्ली दी कहा घबराओ नहीं, मैं जिसके घर काम करती हूँ, जिसके घर की नौकरानी हो, मेरी मालिका मुहिब्बे अहले बैत है,
अगर वो उसे पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, वो तुम्हें आंखों में बिठाएगी, कलेजे से लगाएगी, मेरे साथ चलो। वो अपने इन बच्चों को लेकर अपनी मालिका के घर गई और जाकर के इन बच्चों की सारी कैफियत अपनी मालिका को उसने बता दिया। मालिका ने जब सुना तो बड़ी मोहब्बतों से पेश आई, बच्चों के मुंह हाथ धुलवाए, बालों में कंघा किया, सुरमा लगाया, तेल डाला, बच्चों को खाना खिलाया, थके हुए थे एक कमरे में ले जाकर सुला दिया। पूरा दिन बच्चे उसी कमरे में रहे और उसने अपनी खादिमा से कहा कि तुम जानती हो यहाँ के घर घर में इनके दुश्मन है, इस बात की खबर किसी को ना होने पाए कि ये बच्चे हमारे यहाँ पर पना लिए हुए हैं। और याद रखना, मेरा अपना शोहर भी कुत्ते की तरह इनकी तलाश कर रहा है, वो इनाम के लालच में है। उधर इब्ने ज़ियाद को पता चला था कि बशकूर ने, दारोगा जेल ने इन बच्चों को जेल से फरार कर दिया है। अब उसने बाकायदा ऐलान कर दिया था कि जो बच्चों को गिरफ्तार करके लाएगा उसे ढेर सारा इनाम दिया जाएगा। बहुत सारे दुनिया के पीछे दौड़ने वाले लोग बच्चों की तलाश में थे और ये बच्चे इस खातून के मकान में थे। पूरा दिन गुजरा, रात हुई तो रात देर से उस खातून का शोहर, जिसका नाम हारिस था, वो आया और आकर के थका मांदा था, अपनी बीवी से खाना तलब किया। उसने कहा कि पूरा दिन तुम कहां थे और इतने थके हारे क्यों हो? उसने कहा, तुझे मालूम नहीं है कि मुस्लिम के बच्चे जेल में कैद में थे और मशकूर नामी दारोगा ने उन बच्चों को रिहा कर दिया है, वो बच्चे फरार हो चुके हैं। इब्ने ज़ियाद ने ऐलान किया है इनाम का कि जो उन्हें गिरफ्तार करके लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। लिहाजा मैं इनाम के लालच में उन बच्चों की तलाश में घूम रहा था, दुआ करो जल्दी वो बच्चे मुझे मिल जाए ताकि हम माला माल हो जाए, हमारे हाथ दुनिया की दौलत लग जाए। उस खातून ने उसे पहले समझाया कि दुनिया का माल लेकर आखिरत बर्बाद कर देगा, जरा सोच किसका पीछा कर रहा है और किन बच्चों को लेकर दुश्मनों के हवाले करेगा। अरे जरा सोच, कयामत के दिन शफाअत इनके नाना करने वाले हैं, अल्लाह के दरबार में हमारी बख्शिश का मुद्दा यही सुनाने वाले हैं। अगर उनके बच्चों को कातिलों के हवाले कर दिया तो कौन सा मुंह लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने जाएगा, शफाअत की भीख मांगेगा? जरा सोच, आखिरत का खौफ दिलाने लगी, मगर जिसकी आंख पर दुनिया की दौलत के लालच का पर्दा पड़ गया हो वह आखिरत को फरामोश कर देता है। उसने कहा, जल्दी खाना देना हो तो दो, वरना मैं अभी और चला जाऊंगा। उस औरत ने जल्दी से खाना लाके दिया और खाना लाके देने के बाद उस शख्स ने खाना खाया। अब रात में सोने के लिए जब बिस्तर पर पहुंचा, रात गहरी हो गई, अचानक जिस कमरे में ये बच्चे थे वहां से रोने की आवाज आने लगी, दोनों बच्चे चीख चीख कर रोने लगे। इसकी आंख खुल गई, उसने अपनी बीवी से पूछा, ये बच्चों के रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीवी सहम गई, डर गई। उसने तसल्ली देते हुए कहा, पड़ोस के बच्चे रोते होंगे, हमारे घर में तो कोई बच्चा ही नहीं है, तुम इतना बेचैन क्यों हो रहे हो, आराम करो। वो कहने लगा, ना, ये बाहर से नहीं, बगल बगल से नहीं आ रही है, ये आवाज तो हमारे घर की आवाज है। वो उठा, चराग जलाया और जिधर से आवाज आ रही थी उस कमरे के पास गया, दरवाजा खोला तो दोनों बच्चे एक दूसरे को लिपट कर रो रहे हैं। वो करीब आया, उसने बच्चों को जुदा किया, कहा, बच्चों कौन हो तुम और क्या बात है? अब उन्होंने तो इस घर को अपना घर समझा हुआ था, अपने मोहब्बत करने वालों का घर समझा हुआ था। बेख्तियार बच्चों ने कहा, हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, यहाँ के घर घर में हमारे दुश्मन है, लोग हमें तलाश कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके घर में है। अब वो चिल्लाया, गुस्से में आया, कहा, पूरा दिन तुम्हारे लिए मारा मारा घूमता रहा और तुमने मेरे घर में डेरा डाला हुआ है। उठा के तमाचे मारने लगा और बालों से बाल बांध कर जुल्फों से जुल्फे बांध दिया और रस्सियों से जकड़ दिया और उस कमरे में डाल दिया और बाहर निकल कर आकर सो गया। उसकी औरत उसे समझाने लगी मगर वो एक न माना, सुबह होने का इंतजार करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, दोनों बच्चों को उठाया, अपने घोड़े पे लाद दिया और घोड़े पर लाद कर निकल गया। उसकी बीवी मिन्नत समाजत करने लगी, रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, आओ बुका करने लगी, मगर उसने जर्रा बराबर भी परवाह नहीं की और इन बच्चों को लेकर सीधे दरियाए फरात के किनारे पर पहुंचा। वहां जाने के बाद दोनों बच्चों को सामने खड़ा किया और नियाम से तलवार निकाली
निकाली, तलवार जैसे ही निकाली और हवा में लहराना था, बड़ा बच्चा बड़ा भाई सामने खड़ा था, इतने में छोटा बोला, चाचा मेहरबानी करे मेरे बड़े भाई को न मारे, पहले मुझे कत्ल करे, मैं अपने भाई का तड़पता हुआ लाशा देख नहीं पाऊंगा। अल्लाह अकबर। इतने में बड़ा बोला कि नाना पहले मुझे कत्ल कर दे, मैं अपने छोटे भाई का लाशा तड़पता हुआ देख नहीं पाऊंगा। वो बदबख्त कहने लगा, मुझे लगता है कि तुम्हें मरने का शौक ज्यादा है। एक तलवार का वार ऐसा मारा कि एक ही वार में दोनों की गर्दनें एक साथ कट गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। दोनों शहीद हो गए और इनके दोनों लाशों को उठाकर उसने दरियाए फुरात में डाल दिया, दोनों के सरों को लिया और थैले में डाला और इब्ने ज़ियाद के दरबार में गया। बाहर इंतजार करवा रहे थे, अंदर आने की इजाजत मांगी, जब इजाजत मिल गई वो थैला लेकर सामने आया। इब्ने ज़ियाद ने कहा, क्या बात है, किस काम से आना हुआ है? वो कहने लगा, इनाम के लिए आया हूं। कहा, कैसा इनाम? कहा, तुम्हारे दुश्मनों का सर काट के मैं लेके आया हूं। इब्ने ज़ियाद कहने लगा कि मेरे दुश्मन कौन है और किस दुश्मन की तुम बात कर रहे हो? कहा, मुस्लिम बिन अकील के बच्चों के सर काट के मैं ये थैले में लेके आया हूं। इब्ने ज़ियाद ने जब ये सुना तो परेशान हो गया। कहा, बदबख्त तुझे बच्चों को कत्ल करने का कहा किसने था? मैंने तो जिंदा तलब किया था और ये खबर मैंने यजीद को पहुंचा दी है, क्या बच्चे हमारी गिरफ्त में है? तुम जो चाहो हुक्म उस पर अमल किया जाएगा, जो हुक्म दोगे उस पर अमल किया जाएगा। अब अगर यजीद ने बच्चे मुझसे जिंदा तलब किए तो मैं उसे क्या पेश करूंगा? यजीद के गजब से कैसे बच पाऊंगा? यजीद मुझे सजा देगा। लिहाजा जालिम, तूने मुझे रुसवा किया है, तूने ऐसा कदम क्यों उठाया? वो कहने लगा कि अमीरे मुहतरम, मैं असल में डर गया था कि बच्चे अगर मेरे साथ होते और अगर कोई ताकतवर आदमी बच्चों को देखता, आपने इनाम का ऐलान किया था, हो सकता था वो ताकतवर आदमी इन बच्चों को मुझसे छुड़ा ले जाता और इनाम मेरे बजाय कोई और पाता, इसलिए मैंने कत्ल करके इनके सर तुम्हारे पास लेके आया हूं। इब्ने ज़ियाद कहने लगा कि जालिम, तूने बहुत बुरा काम किया है, अपनी तलवार निकाली और सीधे हारिस की गर्दन पर मार कर दो टुकड़े कर दिया। ना खुदाई मिली, ना विशाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। बहरहाल दोनों बच्चे जामे शहादत नोश कर चुके थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, याद रखे ये आने वाले मुसाफिर मदीने के मुसाफिर थे, खानदान रिसालत से इनका ताल्लुक था। इन जालिमों ने बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब हालात साजगार थे, इमाम अली मकाम को ये खत लिख चुके थे कि यहाँ के हालात बहुत अच्छे थे, मेरा खत मिलते ही आप मक्का से रवाना हो जाए, मदीना तशरीफ ले आए। हजरत इमाम हुसैन अपने बाल बच्चों समेत, बीवियों समेत, बच्चियों समेत, भांजे और भतीजों के साथ, अपने कुछ दोस्त अहबाब के साथ मक्का से रवाना हो चुके थे। अब ये दरियाओं को उबूर करते हुए, पहाड़ों को उबूर करते हुए, मैदानों को उबूर करते हुए ये काफिला रवा दवा था, यहां तक के सन 61 हिजरी 2 मुहर्रमुल हराम को एक मैदान में हुसैनी काफिला आया तो सामने से एक फौज आती हुई नजर आई। वो फौज इब्ने ज़ियाद की भेजी हुई थी, जिसका सरबराह हुर बिन यजीद था। वो आया और आकर के इमाम हुसैन के काफिले को रोका। इमाम हुसैन ने फरमाया, तुम कौन हो और हमें क्यों रोक रहे हो? हुर बिन यजीद ने कहा कि हमारे अमीर का हुक्म है कि आप जहां मिलेंगे वहीं रोक दिया जाए। इमाम अली मकाम ने फरमाया, कौन है अमीर तुम्हारा? कहा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। तो कहा, मुझे क्यों रोका जा रहा है? कहा, इसलिए कि तुमने यजीद की बैत नहीं की है, यजीद को अपना बादशाह और खलीफा नहीं माना और यहां आकर तुम इंतजार करना चाहते हो। इमाम अली मकाम ने फरमाया, मैं इंतजार के लिए नहीं आया, मैं तो इत्तेहाद के लिए आया हूं, लोगों को सही रास्ता बताने आया हूं और खुद नहीं आया, यहां के लोगों ने बुलाया है तब आया, मैं खुद से नहीं आया। लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं, आपको यही रुकना पड़ेगा, चाहे कुछ हो जाए हम आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने सवारी से उतरे, अपने साथियों को सवारी से उतरने का हुक्म दिया। उसके बाद जब उनका जोर और जबरदस्ती देखी तो आपने किसी से पूछा था कि इस मैदान का नाम क्या है, इस जगह को क्या कहते हैं? अब तक अगरचे इमाम हुसैन भी और दीगर सहाबा व सहाबियात जानते थे कि इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा, आका की उम्मत में से कुछ बदबख्त लोग इमाम अली मकाम को शहीद करेंगे,
लेकिन यह पता नहीं था कि वो टाइम आ चुका है। लिहाजा आपने पूछा कि इस जगह का नाम क्या है, किसी ने कहा कि इस जगह को करबला कहते हैं। इमाम अली मकाम ने कहा ओहो ये करबला भी है और करबो बला भी है, ये बलाओं और मुसीबतों की जगह भी है। का बस अब यही हमें कयाम करना है। मेरे नाना ने बरसों पहले बताया था कि मेरे हुसैन को शहीद कर दिया जाएगा, लगता है कि ये वक्त आ चुका है। आपने मिट्टी उठाई, उसे सूंघी और फरमाया हां इसी मिट्टी से खून की बू आ रही है, लिहाजा उतरो सामान उतार दो, अब जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। और सारे लोगों ने सामान उतारे, अपने खैमे नसब कर दिए, खवातीन के लिए अलग खैमे लगा दिए, मर्दों के लिए अलग खैमे लगा दिए। अब हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला मैदान करबला में है, साथ में दूध पीते बच्चे भी हैं, 6-7 साल की सकीना भी है, हजरत रुबाब भी है, हजरत ज़ैनब भी है, हजरत सहरबानू भी है, बीमार ज़ैनुल आबिदीन भी है, कुछ अजीजों अकारिब भी है, दोस्त अहबाब भी है। आपने वहां कयाम किया 2 मुहर्रम तक, 2 मुहर्रम को वहां पहुंचे थे, दिन गुजरते गए, यहां तक के कूफा से कुमुक के कुमुक पर कुमुक आने लगी, लश्कर के लश्कर आने लगे। पहले जो आए थे वो सिर्फ 500 का दस्ता था, मगर धीरे धीरे फौज में इजाफा होता गया, फौज में इजाफा होता गया, यहां तक के 8-9 मुहर्रम तक 22,000 का लश्कर जर्रार जमा हो गया। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 2 मुहर्रम से 7 मुहर्रम तक वहां मौजूद थे। अमर इब्ने साद ये बदबख्त उसकी कमान कर रहा था फौज की। 7 मुहर्रम को इस जालिम ने अपनी फौज का एक दस्ता दरियाए फुरात पर रवाना कर दिया और कहा दरियाए फुरात के पानी पर पहरा बिठा दिया जाए, जंगल के चरिंदे परिंद पानी पी सकते हैं, मगर हुसैनी खैमे में पानी का एक कतरा भी जाना नहीं चाहिए, इन्हें प्यासा रखो, इन्हें भूखा रखो। सामान सफर जितना खुर्दोनोश का था इमाम अली मकाम का सब खत्म हो चुका था। अब मामला यह है कि न खाने के लिए कुछ है, न पानी पीने के लिए है। अब दिन गुजर रहे हैं, प्यास की शिद्दत है, गर्मी का मौसम है, और ऐसे माहौल में पानी का कतरा भी इनके पास मयसर नहीं है। हजरत गिरामी यह सिलसिला बढ़ता गया। बाज लोगों ने अमर इब्ने साद से पूछा था कि इतने लोग मुट्ठी भर लोग हैं और इनमें औरतें और बच्चे भी हैं, जाहिर बात है सब के सब लड़ने के काबिल नहीं है, हमारे पास इतना बड़ा लश्कर है, आखिर तुमने पानी क्यों बंद कर दिया है? तो अमर इब्ने साद जो है ये सहाबी रसूल का बेटा था। याद रखें, बाप आला हो सकता है और बेटा शैतान भी निकल सकता है। अमर इब्ने साद जैसे अमीर माविया का बेटा यजीद निकला है, ऐसे ही हजरत साद इब्ने अबी वक्कास वो सहाबी रसूल है। अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस सहाबी के लिए कहा था ए साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, ऐसे अजीम सहाबी का बेटा वो साद इब्ने अबी वक्कास ऐसे सहाबी है कि इस्लामी दुनिया में दुश्मन की तरफ सबसे पहला तीर छोड़ने वाले साद इब्ने अबी वक्कास है। मुस्तफा जाने रहमत की हिफाजत पर जब जंगे बद्र में आप मामूर थे और आपने जब दुश्मनों का मुकाबला किया था, तीर उठा उठा कर ऐसा चला रहे थे कि एक भी तीर खता नहीं करता था, बराबर निशाने पर लगता था, और पीछे से मुस्तफा तीर उठा के देते थे, कहते थे ऐ साद इब्ने अबी वक्कास ले तीर चला, मेरी हिफाजत कर, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, ऐ साद तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए। बाप इतना आला कि नबी जिसको कहे कि तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, और बेटा ऐसा शैतान सिफत निकला कि यजीदी फौज की कमांडरी कर रहा है, यजीदी फौज की कमान संभाले हुए है। मैं बताना यह चाहता हूं कि अमर इब्ने साद जानता था कि हुसैन क्या है, क्योंकि सहाबी का बेटा था, वो जानता था कि हुसैन क्या है। पानी बंद क्यों किया आप जरा देखे, 72 लोग हैं, औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं, इनके मुकाबले के लिए कितना लश्कर? 22,000। जरा सोचा आपने कितने गुना ज्यादा है, 2 गुना 3 गुना 10 गुना 100 गुना, बाबू के मुकाबले में 22,000 का लश्कर, और फिर भी कहता है कि पानी बंद कर दो। वजह खाजी अली के शेर हैं,
अगर इन्हें खाना पानी मिलता रहेगा तो यकीन जानो ये बात कर वो है कि जिसमें से चंद निकल आए तो 22,000 को कत्ल कर देते, क्योंकि हैदर कर्रार का खून इनके रगों में दौड़ रहा है, फातिमा का दूध इन्होंने पिया है। वो जानता था शाह मर्दा शेर यजदा कुव्वते परवरदिगार, वो जानता था इनके बाबा ये है शाह मर्दा शेर यजदा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। वही जुल्फिकार हुसैन के हाथ में थी, वही जुल्फिकार हैदरी इमाम हुसैन के हाथ में थी। उसने कहा पानी बंद कर दो ताकि जिस्मानी ताकत से ये कमजोर हो जाए। खाना पानी दोनों बंद कर दिया गया, 3 दिन तक भूखे और प्यासे रहे और मुकाबले के लिए ताजा तम 22,000 का लश्कर जमा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, 9-10 मुहर्रम की सुबह जब नमूदार होती है, अब जंग का नक्कारा बजाया गया, हजरत इमाम अली मकाम के साथ अपनी अहले बैत के अलावा कुछ मोहब्बत करने वाले भी थे, अकीदत रखने वाले भी थे, दोस्त अहबाब भी थे। अगरचे रिश्ता खानदानी नहीं था, अगरचे खून का रिश्ता नहीं था, अगरचे दूध का रिश्ता नहीं था, मगर कुछ अफराद ऐसे थे जिनको सिर्फ हुसैन से मोहब्बत थी। ये मोहब्बत करने वाले जब तक मौजूद रहे, तारीख गवाह है कि अहले बैत अत्हार के किसी एक बच्चे को भी खराश नहीं आने दी। तारीख इस बात पर बिल्कुल चुप है कि जब तक एक एक बंदा शहीद ना हो गया तब तक अहले बैत का कोई चश्मो चराग मैदान में नहीं उतरा, उन्होंने उतरने नहीं दिया। मैदान में उतरना तो अलग बात है, इमाम अली मकाम के घर वालों को खानदान वालों पर कोई हल्की सी खराश भी उन्होंने आने नहीं दी। हजरत गिरामी, इमाम अली मकाम 10 मुहर्रम को जब यजीदियों के सामने डटे थे, उस वक्त वही करीब में एक गांव था, उस गांव में हजरत अब्दुल्ला इब्न उमैर बिल्कुल 18-19 साल का करियर जवान, शादी को सिर्फ 17 दिन हुए थे, अपनी बीवी के साथ अभी जिंदगी की शुरुआत की है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमैर की मां उनके पास आई और कहने लगी बेटा तेरे बाप का बचपन में इंतकाल हो गया था, मैंने तुझे बड़ी मोहब्बतों से पाला है, मैंने मां और बाप दोनों बन के तेरी परवरिश की है। कहा मां मैं जानता हूं तेरा एहसान बहुत ज्यादा है, उमूमन मां मां का किरदार अदा करती है, मगर तूने तो बाप और मां दोनों का किरदार अदा किया है। मुझे बाप की मोहब्बतें भी तूने दी है और मां की शफकतें भी तूने दी है, मैंने तेरे छाती से दूध पिया है। कहा मां आखिर ये बातों का मतलब क्या? कहा बेटा आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा। कहा मां क्या मांगना चाहती है? कहा बेटा क्या मेरे इन एहसानात का बदला चुकाना चाहता? कहा मां तू जो बोले वो करने के लिए तैयार हूं। कहा बेटा मैंने सुना है कि फातिमा के लाल करबला में है, 22,000 का ताजा दम लश्कर उनके मुकाबले के लिए उतारा गया है, मेरी तमन्ना है कि अगर तू मेरे दूध का हक अदा करना चाहता है तो हुसैन के नाम पे कुर्बान हो जा, समझ ले तूने मुझे राजी कर लिया है। बेटा भी वफादार था, गयूर था, उसने कहा मां ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं इमाम अली मकाम के साथ जाकर दुश्मनों का मुकाबला करूंगा। मां बहू बेटा तीनों मिलकर के मैदान कारगार में आ गए। इमाम अली मकाम के पास आकर मां कहती है कि हुजूर एक ही बेटा है, कबूल फरमा ले। इमाम अली मकाम ने बड़ी दुआएं दी, बड़ा हैकल जवान था, वो कहने लगा हुजूर उधर से जंग का नक्कारा बच चुका है, मुझे जाने की इजाजत दे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर कलबी रजी अल्लाह तआला जसामत में बड़े मजबूत थे, इमाम अली मकाम ने उन्हें इजाजत दी। अब चूंकि ये अनजान आदमी था, जितने हुसैन के साथ आए थे यजीदी फौज के ज्यादातर लोग उनको जानते थे कि ये कौन है, क्योंकि आने वाले सब मदीना के थे, लिहाजा एक अनजान चेहरे को देखा। कहा तुम कौन हो? तो कहा मुझे नहीं पहचानते।
कन्ना हम तुझे नहीं पहचानते, फला को हमारे मुकाबले में आने बुलाना चाहिए था, फला को हमारे मुकाबले में उतारना चाहिए था, हम तुझे नहीं जानते और तुझसे लड़ना भी नहीं चाहते। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा कि मेरा पता पूछ रहे हो, मैं कौन हूँ ये जानना चाहते हो, तलवार निकाली और ऐसा वार किया, फरमाया नहीं पहचानते तो आप पहचान लो कि मैं कौन हूँ, फरमाया मैं अब्दुल्ला हूँ, उमर का बेटा हूँ और कल भी मेरा कबीला है, और ऐसा हमले करने लगा, ऐसा लगता था जैसे जब भेड़िया किसी बकरियों के रेवड़ में दाखिल हो गया है, इतना लड़ाई किया कि अचानक दुश्मन का तलवार का वार आपकी उंगलियों पर पड़ा, उंगलियां कट गई, एक हाथ से मुकाबला कर रहे थे, अपने हाथ से खून रिस रहा था और दूसरे हाथ की तलवार से खून दुश्मन का टपक रहा था, उंगलियां कटी, उधर उनकी बीवी ने जब देखा कि मेरा शोहर बड़ा बहादुरी के साथ लड़ रहा है तो खैमे की चोर उखाड़ लिया और कहने लगी, ए मेरे शोहरे नामदार, तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाए, दुश्मनों का मुकाबला करो, और लकड़ी लेकर खुद भी मैदान में आ रही है। हजरत वा अब्दुल्ला ने जब देखा कि मेरी बीवी आ रही है, आपने घोड़ा मोड़ा और जाकर के अपनी बीवी से कहा, खातून तुम खैमे में जाओ, मैं लड़ लूंगा। वो कहने लगी, ना ना, हुसैन के नाम पर अकेले तुम कुर्बान क्यों होते हो, मैं भी कुर्बान होना चाहती हूँ ताकि जन्नत में हम साथ साथ रहेंगे। अल्लाह अकबर। आपने जब उसे रोका मगर वो खातून नहीं मानी। हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस खातून का जज्बे शहादत देखा तो आपने आवाज लगाई, ए खातून, अल्लाह तुम दोनों को जजाए खैर अता फरमाए, औरतों पर कितार नहीं है, औरतें पर्दे में रहने के लिए है, औरतें खैमे में रहने के लिए है, आप वापस जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें इसका बेहतर सिला अता फरमाएगा, और मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह जन्नत में तुम अपने शोहर के साथ रहोगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, काफी देर तक लड़ने के बाद हजरत अब्दुल्ला बिन उमैर शहीद हो गए, एक के बाद दिगरे तमाम काफले में जो रफ़क़ा थे वो जाम शहादत नोश करते रहे, हत्ता के हजरत सैयदना कासिम जो इमाम हसन मुज्तबा के लड़के हैं, इमाम हुसैन का दामाद है, रिश्ता हो चुका था, शादी नहीं हुई थी, रिश्ता तय हो गया था, वो चाचा के सामने आए, कहने लगे, चाचा मुझे इजाजत दें कि मैं आपके दुश्मनों का मुकाबला करूंगा, मैं भी जामे शहादत पी लूं। आपने कहा, बेटा कैसे इजाजत दूं, मेरे भाई की जब मुझे याद आती है तो तुझे देखता हूं, तस्कीन हो जाती है, बेटा कैसे इजाजत दूं, इनकार कर दिया। हजरत कासिम कहने लगे, चाचा मुझे इजाजत दीजिए, इसरार करने लगे, इमाम अली मकाम इनकार करते रहे, हत्ता के अचानक हजरत कासिम को अपने बचपन का कोई वाकया याद आया, फौरन चाचा के पास से निकले, खैमों के पीछे गए, उनके बाजू पर एक तावीज था, इमाम हसन मुज्तबा ने इनके बचपन में इनके बाजू पर तावीज बांधा था और कहा था, बेटा तेरी जिंदगी में जब मुश्किल तरीन वक्त आए इस तावीज को खोल के पढ़ लेना, अल्लाह तेरी मुश्किल आसान कर देगा। हजरत कासिम ने सोचा कि आज से ज्यादा कौन सा मुश्किल का टाइम होगा, करबला कोई छोटा हादसा थोड़ी है, इससे बड़ा मुसीबत का दिन क्या होगा, का बाबा ने कहा था कि तावीज खोल के पढ़ लेना, अल्लाह तेरी मुश्किल आसान कर देगा। खैमों के पीछे गए, तावीज खोला, उसे निकाला, अंदर से तावीज निकला, उसे जब पढ़ा तो कहते हैं तावीज नहीं था, इमाम हुसैन के नाम खत लिखा हुआ था, बरसों पहले हसन मुज्तबा का इंतकाल हो चुका है मगर बेटे के बाजू पर तावीज बनाकर इमाम हुसैन के नाम खत लिखा था और उस खत में यह लिखा था कि मेरे भाई हुसैन, मैं जानता हूं एक वक्त ऐसा आएगा कि करबला के मैदान में तू दुश्मनों में घिर जाएगा और मेरा बेटा तुझे मैदान में जाने की इजाजत मांगेगा, मैं जानता हूं कि तू मना करेगा
मगर मैं तुझे अपनी माँ फातिमा के दूध का वास्ता देता हूँ, अब तेरे बेटे को अपने कदमों पर कुर्बान होने का मौका दे देना। वो दौड़ते हुए पढ़ करके चाचा के पास आए और कहा, चाचा जान, अब्बा जान ने मेरे बचपन में ये तावीज बांधा था और बाद में मुझसे कहा था कि जब मुश्किल वक्त आए तब इसे खोल करके पढ़ लेना। चाचा ये देखो बाबा का खत है, आपने जब पढ़ा तो रोने लगे। कहा, अल्लाह अकबर, मेरे भाई तुझ पर कुर्बान हो जाऊं, तुम तो दुनिया से चले गए मगर मेरा ख्याल करके गए हैं। आप अंदाजा लगाएं कि जो बरसों पहले इंतकाल कर चुका है वो हुसैन का भाई जानता था कि मेरा बेटा भी करबला में होगा, मेरा भाई मना करेगा और मेरा बेटा इसरार करेगा। ऐसे लोगों के लिए आपने पहले से खत बना करके रख दिया था। आप जरा सोचे, जब नवासे के इल्म का ये आलम है तो नाना के इल्म का आलम क्या होगा। जब नवासा इतना जानता है तो उनका नाना कितना पावर वाला होगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जब वो खत देखा, पढ़ा, उसे चूमा, बोसा दिया और उसके बाद करबला के मैदान में अपने हाथों को बुलंद कर दिया। ऐ परवरदिगार, मेरे भाई हसन ने मेरा इतना ख्याल किया है, मौला मैं दुआ करता हूँ मेरे भाई हसन की औलाद में कोई ऐसा बेटा पैदा फरमा दे, ऐसी औलाद उसे अता फरमा कि रहती दुनिया तक उसके नाम के डंके बजते रहे, उसके नाम के चर्चे होते रहे। उलमा फरमाते हैं इमाम हुसैन की दुआ कबूल हुई, इमाम हसन की औलाद में जो नामी गिरामी बेटा पैदा हुआ है उसे दुनिया गौसे आजम के नाम से। क्यों ना मुहियुद्दीन हो, आला हज़रत फरमाते तू हसनी हुसैनी क्यों ना मुहियुद्दीन हो। ऐ मजमाउल बहरैन है दरिया तेरा, मजमाउल बहरैन है दरिया तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। उनका कदम ऊंचे ऊंचों के सरों से आला क्यों ना हो, क्योंकि हुसैन की दुआ बनकर गौस आया है, इमाम अली मकाम की दुआ और वो भी करबला की दुआ है। आप जरा सोचो, जो मैदान करबला में दुआ की गई और दुआ करने वाला हुसैन आजम है और जो बच्चा पैदा हुआ वो गौस आजम है। सुभान अल्लाह, हजरत सैयदना कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हु को इमाम आली मकाम ने इजाजत दे दी। जब आप मैदान में आए तो अमूमन ये होता है, लोहे की टोपी, लोहे का जॉकेट पहन कर अपने दिफाई साजो सामान सजा कर निकलना पड़ता है। मगर हजरत कासिम को शौक शहादत इतना था कि आपने सिर्फ सर पे अमामा बांधा था, पतली कमीज पहनी हुई थी, तलवार लेकर नेजा लेकर मैदान में उतर पड़े। यजीदियों ने जब चेहरा देखा, खुदा की कसम यजीदियों का कहना है, ऐसा लगता था कि आसमान का चांद जमीन पे उतर आया है, चांद करबला के मैदान में उतर आया है। एक एक करके कई लोग मुकाबले के लिए आए मगर हजरत कासिम के सामने कोई टिक ना सका। जो आया कत्ल हो गया, जो आया कत्ल हो गया, जो आया कत्ल हो गया। अब इन्होंने देखा कि एक एक करके जीतने जाएंगे सबको ये कत्ल करके रख देगा, लिहाजा एक बार भी सब मिलके हमला करो। तो चारों तरफ से हमला हुआ और फातिमा का लाल इन बादलों में गिर गया। जालिमों के नेजे, तलवारें और उसके अलावा जो तीर उनके बदन पर बरसने लगे, आप जख्मी होकर जमीन पर तशरीफ ले आए। या अदरिक ने अब्बा हूं, ऐ चाचा मेरी खबर लीजिए। चाचा ने जब भतीजे की आवाज सुनी तो दौड़ते हुए खैमों के पास से आए और जब मैदान में आए तो आप हाथों खून में तड़प रहे थे, हर जख्म के जिस्म का हर हर हिस्सा जख्मों से चूर चूर हो चुका था। इमाम अली मकाम आए और आकर के अपने भतीजे के सर को अपनी गोद में रखा, गर्द गुबार चेहरे से साफ किया, खून को साफ किया। इतने में हजरत कासिम ने आंखें खोल दी और आंखें खोल कर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, हुजूर मैं अपने मुकद्दर पर नाज करता हूँ कि मौत आई तो आपके कदमों में आ रही है, आपकी गोद में मौत आ रही है। हुजूर मैं ऐसी मौत पर हजारों जिंदगियों को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। कई
ऐसी मौत है कि हुसैन की गोद है और हजरत कासिम का सर है, उस हजरत इमाम हुसैन का चेहरा है और हजरत कासिम की आंखें हैं। दीदार करते करते आपकी जान तफसे दूसरी से परवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत कासिम रजी अल्लाह तआला अन्हो के लाशे मुबारका को उठाकर हजरत इमाम अली मकाम में खैमों के पास लाए, जहां शहीदों की लाशें रखी थी उन लाशों में इनकी लाश का भी इजाफा कर दिया गया। जब हजरत कासिम की शहादत हो गई तो हजरत के बेटे खुद हजरत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला, ये अली अकबर वो है जो हम शबीह मुस्तफा है, तस्वीर मुस्तफा है, बल्कि सहाबा कहते हैं कि जब हमें रसूलुल्लाह की याद सताती तो हम अली अकबर का दीदार कर लिया करते थे। हूबहू शक्ल मुस्तफा, 18-19 साल का कमीर जवान। बाबा से कहते हैं, बाबा जान मुझे इजाजत दे, जरा सोचें आप, बेटा बाप से क्या इजाजत मांग रहा है, कहीं तफरी करने की, घूमने जाने की इजाजत दे। बाबा ने पहले मना किया मगर बेटा जिद करता रहा। अब इमाम अली मकाम ने खुद अपने बेटे को जंगी साजो सामान से सजाना शुरू कर दिया। बाप के दिलों में तमन्ना होती है, काश मेरा बेटा जवान हो तो मैं इसे दूल्हा बनाऊं, निकाह करवा दूं। मगर इमाम अली मकाम अपने बेटे को जंगी साजो सामान से सजा रहे हैं, कमर पे पटका बांधा, ढाल दी, नेजा दिया, तरकश दिया, कमान दिया, तलवार अता फरमाई, बाप के हाथ का बोसा लिया, परदादार खवातीन से जाकर आखिरी सलाम किया। जरा सोचो वो मंजर कैसा होगा, उन औरतों के दिलों पर क्या गुजर रही होगी कि बेटा जाएगा तो वापस पलट के आने वाला नहीं है। फूफू के दिल पे क्या गुजरी होगी, उनकी वालदा के दिल पे क्या गुजरी होगी और बाप के कलेजे पर क्या बीत रही होगी। आपने खुद सवार किया और हजरत अली अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब मैदान कारजार में उतरे है, अल्लाहु अकबर, हजरत अली अकबर को देख कर सारे यजीदियों का पिता पानी हो रहा था, सहमे हुए थे, डरे हुए थे। हजरत कासिम के मुकाबले में एक एक आदमी जा जाकर मरता चला गया था। अली अकबर आवाज दे रहे हैं, आओ मेरे मुकाबले के लिए किसको भेजना है भेजो, आओ जल्दी करो, मैं मुकाबले के लिए तैयार हूँ। मुझे नहीं जानते, मैं अली का पोता हूँ, मैं फातिमा का पोता हूँ, हुसैन इब्न अली का बेटा हूँ, मेरे मुकाबले के लिए भेजो। मगर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई हजरत के मुकाबले में आए। हजरत इमाम अली मकाम के शहजादे अली अकबर ने खुद अपने घोड़े को एल लगाई और लश्कर आदा में ऐसा गोता लगाया, ऐसा दौड़ाया कि अल्लाह अकबर, ऐसा लगता था कि बकरियों के रेवड़ में कोई शेर घुस गया है। बगदड़ मच गई और जिधर रुख करते थे कुश्तों के पुश्ते लगा देते, लाशों के अंबार लगा देते, लाशों के ढेर लगा देते। अब बगदड़ मची हुई है, दौड़ाते जा रहे हैं और जो जब में आया कत्ल हो गया, जो जब में आया कत्ल हो गया। कोई कमर से कट रहा है, कोई गर्दन से कट रहा है, किसी के सीने से आग पार तलवार हो रही है, बेतहाशा लड़ते रहे। कम से कम सैकड़ों लोगों को अकेली तलवार से कत्ल कर डाला। जब थक गए, जबान सूख गई, वापस घोड़ा मोड़ कर खेमे की तरफ आए, अब्बा से कहते हैं, अब्बा जान एक प्याला पानी अगर मुझे मिल जाए, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे बाद किसी को मैदान में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं अकेला सब जन में काफी हो जाऊंगा। बाबा जान ने जब यह सुना, आंख में आंसू आ गया, कहा मेरे बेटे सबर कर, पानी का एक कतरा नहीं है, थोड़ा सा सबर कर। दाना नाना जान हौज़े कौसर पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, वहां जी भर के कौसर का जाम पी लेना। हजरत अली अकबर के मुंह में आपने अपनी अंगूठी दे दी, कहा बेटा इसको मुंह में रखो, कुछ तस्कीन होगी, कुछ तसल्ली होगी। अली अकबर दोबारा मैदान कारजार में आए, फिर वही मंजर पेश किया, जिधर का रुख करते थे लाशों के अंबार लगा देते, कभी मैमना पर टूट पड़े, कभी मैसरा पर, और कभी लश्कर कलबे लश्कर में जाकर छलांग लगा दी। ऐसा लगता था कि गोया खून के दरिया में डूबते जा रहे हैं, उभरते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, उसके बाद जब उन बुजदिलों ने देखा कि
अब ऐसा मुकाबला नहीं होगा। लिहाजा चारों तरफ से लोग फैल गए, दूर दूर हो गए। अली अकबर को तन्हा कर दिया और दूर से तीरों की बारिश करना शुरू कर दिया। हजरत अली अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तीरों की मार सहते सहते निढाल हो चुके थे, पूरा बदन तीरों के जख्मों से चूर चूर हो चुका था। जब बहुत कमजोर हो गए, वे लोग करीब आए, किसी जालिम ने हजरत अली अकबर के जिगर में नेजा मार दिया जो आठ पार हो गया और अंदर टूट गया। हजरत अली अकबर जमीन पर तशरीफ लाए, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उन्होंने आवाज दी। हजरत इमाम अली मकाम दौड़ते हुए मैदान में आए, सिपाही इधर उधर हट चुके थे, इनका लाशा बीच में पड़ा हुआ है। हजरत अली अकबर की लाश को आपने उठाया, अपनी गोद में सर रखा और मुंह से गर्द गुबार और खून को साफ किया, जरा उठाना चाहते थे, आपकी कराह निकल गई, आपने आ कर दी। कहा बेटा क्या बात है, ज्यादा तकलीफ हो रही है? तो इधर इशारा किया, इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि मेरे बेटे के सीने में जिगर के आर पार नेजा हो चुका था, इतना दर्द था। उसके बाद हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नख्ते जिगर में इमाम हुसैन की गोद में जाने शहादत पोश किया। याद रखें, इमाम अली मकाम जब करबला में आए थे 56 साल 5 महीने की उम्र थी, 56 साल 5 महीने की। मुअर्रिखीन ने लिखा है कि उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के सर और दाढ़ी के बालों में एक बाल भी सफेद नहीं था, सारे बाल बिल्कुल काले थे। मगर जब अली अकबर शहीद हुए, ऐसा सदमा और ऐसा गम का पहाड़ टूटा कि उनकी लाश को उठाकर मैदान से खैमे तक आते आते दर सर और दाढ़ी के सारे बाल सफेद हो गए। जरा सोचिए आप, ये कितना बड़ा सदमा है, कितना बड़ा गम है कि सिर्फ इतने फासले पर सारे काले बाल सफेद हो गए। फरमाया मेरी अब कमर टूट गई है, अपने बेटे की लाश को लाकर शहीदों की सफ में डाल दिया। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया है वबशरी साबिरीन, सब्र करने वालों को अल्लाह की तरफ से बशारत है। इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है, और ऐसा साथ कि अल्लाह ताला ने उनके मकामात को, उनके दर्जात को इतना बुलंद कर दिया, उनके मकाम को खाली देखने में सरों की टोपियां गिर जाती हैं। वो दर्जे ऐसे ही नहीं मिलते, मकामात ऐसे ही नहीं मिलते, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं तब मकाम मिलता है, इम्तिहान पास करने पड़ते हैं तब डिग्रियां मिलती हैं। ऐसी डिग्रियां नहीं मिलती जब दुनिया की डिग्रियों के लिए इम्तिहान देना पड़ता है, वो तो आखिरत की डिग्रियां हैं, जन्नत की डिग्रियां हैं। और वो जन्नत की डिग्री भी ऐसी मिल गई कि खुद के लिए नहीं, जिसकी तरफ इशारा कर दे वो जन्नती हो जाए, वो मकाम अल्लाह ने उनको अता फरमाया। अगली बात इंशाअल्लाह कल होगी। वो मा अलैना इल्ला अल्लाह।